जितेंद्र राव कोतवाली पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। मुखबिर की सूचना पर अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह के दो शातिर अभियुक्त गण को 6 ट्रैक्टर विभिन्न कंपनी के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसका खुलासा आज एसएसपी ने पत्रकार कारवार्ता के दौरान किया है, जिसमें गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी हाथरस ने 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा दी। गिरफ्तार करने वाली टीम ने कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार शर्मा, क्राइम निरीक्षक गजराज सिंह, निरीक्षक महेंद्र चंद प्रभारी, एसओजी प्रभारी हाथरस, उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, आरक्षी शैलेश यादव, ग्रीस कुमार, वरेश भूपेंद्र राणा, नागेंद्र दुषार सिंह, मंजित कुमार, उपेंद्र कुमार, विजय कुमार, एसओजी हाथरस, हिंदुस्तान न्यूज 24 हाथरस, ब्यूरो चीफ मुकेश यादव हाथरस, रिपोर्ट रविंद्र यादव। देखिए ये 15 नवंबर या लास्ट 15 नवंबर को ये एसओजी टीम और थाना सिकंदर राव पुलिस द्वारा ये 10 ट्रैक्टर बरामद किए गए थे और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी। उसी में एक व्यक्ति गया लाल और गया प्रसाद जो वांछित चल रहा था, उसकी तलाश में सिकंदर राव पुलिस और एसओजी की टीम लगी हुई थी और उसी पतारसी के क्रम में ही इसको गिरफ्तारी की गई है और इसमें 6 ट्रैक्टर और बरामद किए गए हैं जो विभिन्न कंपनियों के हैं और इसके साथ साथ एक दिनेशपुर चंद्रभान की भी गिरफ्तारी हुई है और इसमें अभी 4 व्यक्ति फरार हैं जिनके लिए तलाश की जा रही है। और इसमें जो बेसिक चीज़ें निकल के आई हैं इस दौरान इस जांच में कि इसमें एक बहुत बड़ा रैकेट गैंग काम कर रहा है